Hello friends welcome to honest tutorial for your better understanding Hello friends this is akram Shek and you are watching honest tutorial friends in today's video we are going to discuss about the appointment of a secretary and its legal provisions and what are the functions and duties of the company secretary and what are the authorities and limitations and liabilities of a company secretary so let's start with the appointment of the secretary and its legal provisions एज पर द न्यू कंपनीज़ एक्ट टू थाउजेंड एंड थर्टीन द कंपनी सेक्रेटरी इज की मैनेजरियल पर्सन जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि कंपनी सेक्रेटरी है उसे की मैनेजर पर्सन जो होते हैं उसके अंदर इसको इंक्लूड किया गया है एज पर द कंपनीज एक्ट जो है टू थाउजेंड थर्टीन उसके मुताबिक एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ए कंपनी सेक्रेटरी प्रोविजन ऑफ कंपनी लॉ शुड बी फॉलोड तो जब हमें अपॉइंटमेंट करना है कंपनी सेक्रेटरी का तो हमें कुछ उसके प्रोविजन है प्रोविजंस यानी कि सिद्धांत जो है कंपनी लॉ के जो सिद्धांत है उसको हमें अमल करना पड़ेगा कि उस किस कौन कौन सी कंडीशन में हम उसको अपॉइंट कर सकते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशंस है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं फॉर द कंपनी विच हैज़ सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ रुपीज़ फाइव करोड़ और मोर अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी इज मैंडेटरी यानी जो कंपनी जिसका सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है वो पाँच करोड़ या उससे अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे एक कंपनी का सेक्रेटरी रखना ये कंपलसरी हो गया सेकेंड वन इज द ओनली लिविंग पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी यानी कोई भी एक जीवित व्यक्ति होगा उसी को सेक्रेटरी रख सकते हैं तो पार्टनरशिप फॉर्म और एनी इंस्टीट्यूट और कॉरपोरेट यूनिट्स कैन नॉट बी अपॉइंटेड जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म है या कोई भी बिजनेस का फॉर्म है वो सबको एक इंडिविजुअल आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी उसको दर्जा मिला हुआ है तो ऐसी कोई भी आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी है उसको हम लोग अपॉइंट नहीं कर सकते जैसे कि पार्टनरशिप फॉर्म है या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है इसको हम लोग अपॉइंट नहीं कर सकते एज अ सेक्रेटरी तो सेक्रेटरी किसको अपॉइंट कर सकते हैं ओनली लिविंग पर्सन को ही हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं द थर्ड पॉइंट इज द पर्सन हु इज़ गोइंग टू अपॉइंट अपॉइंटेड मस्ट हैव सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया यानी उसने एक कंपनी सेक्रेटरी की एक उसने डिग्री हासिल की होनी चाहिए और वो उसका एक उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का उसके पास सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है तभी हम उसको अपॉइंट कर सकते हैं एज अ कंपनी सेक्रेटरी देन नेक्स्ट इज एज अ कंपनी सेक्रेटरी माइनर पर्सन और एन इंसॉल्वेंट और एन इंसेंट पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड कंपनी सेक्रेटरी के तौर पे हम किसी माइनर को यानी कि 18 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति को हम नहीं अपॉइंट कर सकते हैं बेसिकली देखा जाए तो 18 इयर्स के बिलो उसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं होगा तो वो चार्टर्ड कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स भी उसका कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो एक तो ये बेसिक थिंग हो गई कि माइनर जो होगा उसको हम लोग नहीं अपॉइंट कर सकते उसके अलावा इंसॉलवेंट इंसॉलमेंट यानी कि जिसके ऊपर इतना कर्ज़ है कि वो अपनी मिलकत को बेच के भी वो अपना कर्ज को अदा न कर सके तो ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसको भी हम लोग कंपनी का सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे क्योंकि अगर इस ऐसे किसी व्यक्ति को अगर हमने अपॉइंट कर लिया तो फिर हो सकता है कि वो हमारे कंपनी के अंदर अपना खुद का प्रॉफिट का कुछ भी यानी अपने खुद के हित के लिए सोचने लगेगा क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी इतना कर्ज है तो वो कर्ज़ को ख़त्म करने के लिए फिर यहाँ पे अपना खुद का फायदा ढूंढना शुरू करेगा इसीलिए ऐसे व्यक्ति को कंपनी सेक्रेटरी नहीं बनाया जाएगा फिफ्थ पॉइंट है टू अपॉइंट कंपनी सेक्रेटरी रिजोल्यूशन ऑफ बोर्ड शुड बी पासड इन द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स मीटिंग जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होगी अगर किसी सेक्रेटरी को अगर हमें अपॉइंट करना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग बुलाई जाएगी और वहाँ पे रिजोल्यूशन पास करवाया जाएगा यानी सब लोग मिलके अगर सब लोग सहमत है तो ही यहाँ पे उसको रिजोल्यूशन पास हुआ कहा जाएगा और तभी हम उसको यहाँ पे सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकते हैं इन दिस रिजोल्यूशन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट यानी क्या क्या इसके अंदर हम लोग डिसाइड uh, करेंगे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होगी तो उसके अंदर अगर हमें कंपनी का सेक्रेटरी अपॉइंट करना है तो क्या क्या चर्चा होगी मीटिंग के अंदर तो मीटिंग के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन कौन कौन सी कंडीशन के ऊपर हम अपने कंपनी का, का सेक्रेटरी हम लोग यहाँ पे अपॉइंट करते हैं फिर रेम्यूनोरेशन उसको कितना पेमेंट किया जाएगा सेक्रेटरी को क्योंकि कंपनी का जो सेक्रेटरी है वो क्या है एम्प्लॉई है इसीलिए उसको कितना रेम्यूनोरेशन देंगे वो भी यहाँ पर नक्की किया जाएगा देन एंड मेंबरशिप नंबर एंड एसेंशियल और अगर वो मेबर है तो उसे मेंबरशिप नंबर भी उसको दिया जाएगा दैन सिक्स पॉइंट इज़ विलिंगनेस सर्टिफिकेट इज टू बी टेकन फ्रॉम द सेक्रेटरी टू बी अपॉइंटेड एज की मैनेजर पर्सन यानी कि के एम पी विलिंगनेस सर्टिफिकेट यानी उसकी खुद की भी इच्छा होनी चाहिए कंपनी तो अगर सेक्रेटरी किसी पर्सन लिविंग पर्सन को अपॉइंट करना चाहती है तो सामने सेक्रेटरी की खुद की भी इच्छा होनी चाहिए कि हाँ भाई मैं खुद ये सब टर्म्स एंड कंडीशन और आपने जो रेमुनेशन बोला उस रेमेशन के हिसाब से मैं यहाँ पर काम करना चाहता हूँ उसकी खुद की भी आ, इच्छा होनी जरूरी है देन विथ द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज फर्स्ट फॉर्म एम जी टी फोर्टीन एलोंग विथ द रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कंसर्न लेटर टू द वर्क एज स्कीम मैनेजर पर्सन शुड बी रजिस्टर्ड जब ये अपना विलिंगनेस सर्टिफिकेट अगर दे देता है तो फिर ये विलिंगनेस सर्टिफिकेट और एक फॉर्म नंबर एम जी टी फोर्टीन करके एक आता है जिसमें बोर्ड ऑफ रिजो डायरेक्टर्स का जो रिजोल्यूशन जो पास हुआ कि हम इस आदमी को हम लोग अपॉइंट कर रहे हैं कंपनी सेक्रेटरी एज अ सेक्रेटरी हम इसको अपॉइंट कर रहे हैं तो वो रिजोल्यूशन की कॉपी फॉर्म एम जी टी फोर्टीन और जो सर्टिफिक जिसको हमने अपॉइंट किया है उसका विलिंगनेस सर्टिफिकेट ये सब चीज़ें हम लोग जो कंपनी की जो रजिस्टर्ड ऑफिस होती है वहाँ पे जाके हमें इसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा फिर क्या बोला है फॉर्म एम आर वन एंड विलिंगनेस नेटर टू वर्क एस के एम पी एंड रेजोल्यूशन ऑफ बॉर्डर डाटा शुड बी रजिस्टर्ड विद इन सिक्सटी डेज और फॉर्म एम आर वन और विलिंगनेस लेटर और जो रेजोल्यूशन जो पास हुआ इसकी जो कॉपी है ये सब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है वहाँ पे इसे पहुँचाना है कितने दिन के अंदर अपॉइंटमेंट के सिक्सटी डेज के अंदर हमें ये कॉपी वहाँ पर सब कुछ सबमिट करना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो हमें कंपनी का इनकॉरपोरेशन है इनकी कंपनी की स्थापना करने का जो हमें सर्टिफिकेट देता है तो हमें हमारी कंपनी की सब डिटेल भी वहाँ पे हमें देनी पड़ेगी तो अब अगर हम कंपनी के अंदर एक सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं तो हमें ये डिटेल हमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के अंदर देनी कंपलसरी है तो कितने दिन में हम लोग देंगे सिक्सटी डेज़ के अंदर हमें ये डिटेल देनी है तो ये सब थे प्रोविजन्स थे कि इसके क्या सिद्धांत है कौन कौन सी कंडीशंस के ऊपर हम लोग एक सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकते हैं अब हम इसके फंक्शंस देखते हैं कि ये क्या काम करता है उसकी ड्यूटीज़ क्या है उसको क्या उसको काम सौंपा गया है तो सबसे हैज टू सेक्रेटरी होगा वो किसको रिपोर्ट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यह रिपोर्ट करेगा क्योंकि इसको अपॉइंट भी कौन करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं तो ये रिपोर्टिंग यानी उसको जो काम दे गया उसका जो काम कंप्लीट होने के बाद उसका रिपोर्टिंग वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देगा कौन से रूल्स के मुताबिक जो प्रोविजन्स ऑफ कंपनीज लॉ जो है उसके मुताबिक ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को यहाँ पे रिपोर्टिंग करेगा सेकंड उसका फंक्शन है द सेक्रेटरी हैज़ टू इंश्योर दैट द कंपनी इज़ मेंटेनिंग सेक्रेटरील स्टैंडर्ड तो सेक्रेटरी को ये सेक्रेटरी जिसको हमने अपॉइंट किया है उसे ये इंश्योर करना पड़ेगा यानी कि उसे बाहिंदी देनी पड़ेगी कि कंपनी जो है वो सेक्रेटरील स्टैंडर्ड जो भी सेट किए गए हैं फिक्स किया गया है उस स्टैंडर्ड के मुताबिक सारे काम कर रहे हैं कंपनी काम कर रही है एंड थर्ड टू परफॉर्म द ड्यूटीज विच आर प्रिस्क्राइब्ड इन लॉ और वो सारे काम करेगा जो कानूनन तौर पे उसको जो जिम्मेदारी दी गई है वो सब उसे वर्क करना पड़ेगा अब ड्यूटीज देखते हैं इसकी क्या क्या ड्यूटीज है ड्यूटीज ऑफ द सेक्रेटरीज फर्स्ट टू गाइड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी फॉर देयर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी ये गाइड करेगा एज ए गाइड यहाँ पे काम करेगा कि उनकी क्या ड्यूटीज है उसके बारे में उनकी क्या जवाबदारी है उसके बारे में ये सेक्रेटरी जो है कंपनी का सेक्रेटरी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये गाइड करेगा सेकंड टू अरेंज बोर्ड मीटिंग्स एनुअल जनरल मीटिंग एंड टू प्रिपेयर दर मिनट्स उसका दूसरा काम क्या है कि मीटिंग का अरेंजमेंट करना मीटिंग कौन कौन सी होती है मैंने अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था हमने कि क्रेडिटर्स uh, मीटिंग होती है शेयर होल्डर्स मीटिंग होती है जनरल uh, मीटिंग होती है एनुअल जनरल मीटिंग होती है तो ये सारी मीटिंग्स जो है उसका अरेंजमेंट करने का काम है वो कंपनी सेक्रेटरी का है तो अरेंजमेंट ऑफ जनरल मीटिंग अरेंजमेंट ऑफ बोर्ड मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई तो एंड टू प्रिपेयर देयर मिनट्स और मीटिंग के अंदर क्या चर्चा हुई उस चर्चा को पूरा वो नोट डाउन करेगा एक प्रिस्क्राइब्ड uh, मैनर के अंदर कि भाई ये किस तरह से मीटिंग हुई शुरू कैसे हुई उसमें क्या क्या चर्चाएँ की गई बाद में उसका क्या आउटकम वो जो मीटिंग बुलाई गई थी उसका उद्देश्य क्या था और उस मीटिंग का क्या रिजल्ट आया ये सब कुछ एक मिनिट बुक के अंदर वो लिखेगा देन थर्ड वन इज द टू ऑप्टेन परमिशन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जनरल मीटिंग गवर्नमेंट एंड अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज एज पर कंपनी एक्ट रिक्वायरमेंट जो भी इसे यहाँ पे मीटिंग करनी है तो उसे पहले जिस प्रकार की मीटिंग होगी उस प्रकार की मीटिंग के लिए उसे किसी कंसर्न व्यक्ति से उसे परमिशन भी लेनी पड़ेगी तो यहाँ पे बोला है टू ऑपटेन परमिशन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर मीटिंग करनी है या फिर हमें और कोई मीटिंग करनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी फिर गवर्नमेंट्स के साथ अगर कोई मीटिंग तो गवर्नमेंट से भी पहले बातचीत करनी पड़ेगी कि हाई हमें आपके साथ मीटिंग करनी है तो उनके साथ भी परमिशन लेनी पड़ेगी बाद में ही वो कंडक्ट कर सकते हैं टू प्रिप्रजेंट विथ वेरियस ऑथोरिटीज एंड परफॉर्म अदर ड्यूटीज एज पर दंपनीज एक्ट यानी ये रिप्रेजेंट करेगा जो भी उसे अथॉरिटीज़ दी गई है उसके मुताबिक वो काम के काम करेगा यानी उसे जो पावर्स दी गई उस पावर्स के मुताबिक वो अपना काम करेगा जो कंपनीज एक्ट ने जो उसे जो पावर्स दी है कंपनीज एक्ट के तहत वो उस पावर्स के मुताबिक वो काम करेगा टू हेल्प बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू रन बिज़नेस ऑफ द कंपनी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनकी मदद करेगा कि भाई कंपनी का बिज़नेस किस तरह से चलाया जाए टू फॉर्म to perform other duties as prescribed in the companies act companies act ke mutabik agar jo aur bhi jo usko kaam diye gaye wo sare kaam use perform karne hain and the last one is to perform duties as and when allotted by the board of the directors or जो board of directors उसे जब, जब जब जो भी काम देंगे वो काम उसे करना है तो ये सारी थी duties of a company secretary. अब हम लोग देखेंगे क्या क्या authorities है क्या क्या limitation है उसके ऊपर कितनी रोक लगाई गई है एंड लाइबिलिटीज उसकी क्या क्या जवाबदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी सेक्रेटरी की वो डिस्कस करते हैं हम लोग सबसे पहले देखते हैं हम लोग ऑथोरिटीज ऑफ द सेक्रेटरी द कंपनी एक्ट डज नॉट प्रोवाइड स्पेसिफिशली फॉर द अथॉरिटीज ऑफ अ सेक्रेटरी यहाँ पे कंपनी एक्ट ने उसको कोई भी ऐसे पावर्स या अथॉरिटीज डायरेक्ट दी हुई नहीं है देर इज अ प्रोविजन फॉर द अथॉरिटी इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जब कंपनी की स्थापना हुई और जब कंपनी ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कुछ प्रोविजन यानी कि कुछ इन्होंने सिद्धांत बना के रखे होंगे उस सिद्धांत के मुताबिक पे काम करना है। हैिगार्डिंग ऑथोरिटी ऑफ द सेक्रेटरी अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो बनाया गया था उसके अंदर भी अगर कंपनी सेक्रेटरी को क्या पावर्स एंड क्या ऑथोरिटीज है उसके बारे में अगर कुछ उल्लेख नहीं किया गया

इसे दी गई है तो इसे देखना है कि भाई जितने भी उसे अथॉरिटी दी गई है कि सारे जितने भी डिपार्टमेंट है उस सब का वर्क बराबर हो रहा है कि नहीं उसको देखने का इसे अथॉरिटी मिली है देन द कंपनी सेक्रेटरी इज ऑथोराइज टू साइन द लेटर्स रिलेटेड टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कोल्स ऑन शेयर्स फोर फीचर ऑफ शेयर्स शेयर ट्रांसफर एक्सेट्रा ऑन बी ऑफ द कंपनी यानी कंपनी के सेक्रेटरी को कंपनी के बिहाफ के ऊपर उसे एक अगर अथॉरिटी मिली है तो वो लेटर को साइन कर सकता है कौन कौन से लेटर एक तो अलॉटमेंट लेटर यानी कि किसको शेयर्स हमें देने हैं उसको बोलते हैं अलॉटमेंट यानी कंपनी अगर शेयर अगर इश्यू करती है तो ईश्यू करने के बाद जितने लोगों ने एप्लीकेशन किए उसमें से सभी एप्लीकेशन जिसने सबने एप्लीकेशन की सबको शेयर अलॉट नहीं करेगा लेकिन किसको शेयर अलॉट करना है किस व्यक्ति को हम लोग शेयर देंगे कितने शेयर देंगे उसको बोलते हैं शेयर अलॉटमेंट तो किसको शेयर अलॉटमेंट करना है उसका जो लेटर है वो साइन करने के के कोल्स, कोल्स shares, की अथॉरिटी कंपनी के सेक्रेटरी के पास है कोल्स कॉल्स ऑन शेयर्स यानी कि कॉल्स ऑन शेयर्स क्या है कि जब इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाया जाएगा इंस्टॉलमेंट में यानी कि एक साथ जो शेयर की जो कीमत है वो पूरी नहीं मंगाएगी लेकिन उसको टुकड़े टुकड़े में बांट दिया गया कि जब जब कंपनी को जरूरत पड़ेगी तब तक वो पैसा मंगाएगी तो जब ये अलॉटमेंट ऑफ शेयर के लिए जब नोटिस सॉरी कॉल्स ऑन शेयर के लिए भी जो लेटर या नोटिस भेजी जाएगी उसके ऊपर वो साइन कर सकता है फिर आया फोर फीचर ऑफ शेयर फोर फीचर शेयर यानी क्या है कि अगर किसी को शेयर का अगर हमने अलॉट कर दिया है और वो अगर वो कॉल मनी नहीं भरता है तो उसे कुछ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम उसको दिया जाएगा कि इतने वक्त के अंदर आप फोर्टीन डेज का टाइम दिया जाएगा उसमें अगर आप पैसा नहीं भरते हो तो फिर आपके जो शेयर्स जो लग गए थे आपको जो मिले हैं वो शेयर्स आपसे जब्त कर ली जाएंगे तो इसको फोर फीचर ऑफ शेयर्स यानी कि जब्त करना शेयर्स को जब्त करना तो वो शेयर्स को जब्त करने का जो लेटर होगा उस पर भी साइन करने की अथॉरिटी कंपनी सेक्रेटरी के पास है फिर शेयर ट्रांसफर अगर किसी व्यक्ति को जिसके पास शेयर है उसे किसी और व्यक्ति को अगर वो ट्रांसफर कर देना है या बेच देना है तो वो कर सकता है तो उसकी जो ऑथोरिटी है वो भी शेयर कंपनी के सेक्रेटरी के पास है और लेकिन ये किसके बी पे काम करेगा कंपनी के बी पे ये काम करेगा देन द सेक्रेटरी एंडर टेक्स कॉरस्पॉन्डेंस विद द डिफरेंट पार्टीज ऑन बी ऑफ द कंपनी और ये कंपनी के बी के ऊपर जो अलग अलग जो कंपनी के साथ जो पार्टीज जुड़ी हुई है उन सबके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करेगा यानी कि बातचीत करेगा एग्रीमेंट करेगा कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर फिफ्थ वन इज द सेक्रेटरी इज ऑथोराइज टू वर्क एज एजेंट ऑफ द कंपनी तो सेक्रेटरी जो है वो एक agent की तरह पे company के लिए काम करता है सिक्स द कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट डन बाक्रेटरी एज पर पावर ऑफ द डायरेक्टर्स और जो पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी के सेक्रेटरी को दी है और उसके अकॉर्डिंग अगर वो काम करता है तो फिर यहाँ पे कंपनी खुद जवाबदार रहेगी कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट डन बाय द सेक्रेटरी जो वर्क जो काम जो अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सेक्रेटरी को दिया है उसकी वजह से अगर कुछ भी होता है तो कंपनी यहाँ पे जवाबदार रहेगी सेक्रेटरी यहाँ पे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा एंड सेवन वन इज द सेक्रेटरी इज ऑथोराइज टू एग्जीक्यूट द वर्क एज पर द डायरेक्टर्स ऑफ द बोर्ड और कंपनी का जो सेक्रेटरी है उसे अथॉरिटी है कि जो डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसे जो वर्क दिया है उसको किस तरह से एग्जीक्यूट यानी किस तरह से वो काम को करवाया जाए किन लोगों से किस तरह से उसका वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए वो सब ऑथॉरिटीज है सेक्रेटरी के पास तो ये हमने पढ़ा अभी सेक्रेटरी के पास क्या क्या ऑथोरिटीज है अब हम लोग देखते हैं लिमिटेशन ऑफ ऑथॉरिटी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी क्या है फर्स्ट इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैड नॉट इंस्ट्रक्टेड द सेक्रेटरी कैन नॉट कन्वे एनी मीटिंग एज पर हिज विज अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अगर उसे कोई आदेश नहीं दिया है तो फिर यहाँ पे कंपनी का सेक्रेटरी अपने हिसाब से कोई भी मीटिंग को कंडक्ट नहीं कर सकता है the secretary cannot borrow finance on behalf of the company for the company affairs company ka jo secretary hai wo koi bhi finance yani ki koi bhi loan company ke behalf ke upar wo nahi le sakta hai the company secretary can help to prepare agreements but he cannot in enter into agreement on behalf of the company without authority Company का secretary है वो कोई भी agreement यानी कि contract कर सकता है but वो खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता जब तक उसे कोई authority नहीं दी जाए अगर ऑथोरिटी मिलती है तो ही वो उसके अंदर एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करने में वो इन्वॉल्व होगा द सेक्रेटरी कैन नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन पॉलिसी मैटर्स और सेक्रेटरी कोई भी डिसीजन या पॉलिसी बनाने में कोई उसका काम नहीं है वो वहाँ पे कुछ भी हाँ वो सिर्फ हेल्प कर सकता है लेकिन कोई भी पॉलिसी वो खुद नहीं बना सकता है कोई भी डिसीजन वो खुद ले नहीं सकता है द एग्रीमेंट्स एंटर्ड इन टू आर नल एंड वॉइड फॉर विच द सेक्रेटरी इज नॉट एम्पावर्ड बाय द बोर्ड ऑफ द बोर्ड एंड द कंपनी इज नॉट बाउंड फॉर इट अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसे ऑथोरिटी नहीं दी है तो ऐसे जो भी कॉन्ट्रैक्ट और जो भी एग्रीमेंट uh, जो भी की उसे नल एंड वोइड यानी उसको खारिज किया जाएगा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट गिनने में नहीं आएंगे द सेक्रेटरी कैन नॉट इश्यू सेस टू द पब्लिक विदाउट ऑथोरिटी और सेक्रेटरी ऑथॉरिटी के बिना कोई भी शेष पब्लिक के अंदर इश्यू नहीं कर सकता है इसके लिए सबसे पहले प्रोस्पेक्टस बाहर निकलना पड़ता है प्रोस्पेक्टस के बाद हमें परमिशन लेनी पड़ती है परमिशन लेने के बाद सेबी की परमिशन के बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट और सेबी की परमिशन के बाद ही हम लोग शेयर्स को इश्यू कर सकते हैं लेकिन इसे अथॉरिटी नहीं है कि वो डायरेक्ट कुछ भी कर सके तो ये सारी थी लिमिटेशंस ऑफ अथॉरिटी ऑफ ए कंपनी सेक्रेटरी हम लोग देखते हैं लाइब्रिटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के यानी कि उसकी जिम्मेदारियां क्या है द कंपनी सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसिस वो खुद कब जवाबदार होगा तो पहला द कंपनी सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल इफ ही वायोलेट्स द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट अगर उसने कंपनी एक्ट के कोई भी अगर रूल को वो तोड़ता है तो वो खुद वहाँ पे जिम्मेदार होगा द कंपनी सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल इफ डज नॉट सबमिट नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज इन स्पेसिफिक टाइम कंपनी सेक्रेटरी खुद यहाँ पे जवाबदार होगा कि अगर वो जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में अगर नहीं पहुंचाता है स्पेसिफिक टाइम यानी कि जो दिया गया टाइम है उसके अंदर अगर वो डॉक्यूमेंट्स को टाइम पे नहीं पहुंचाता है तो यहाँ पे कंपनी का जो सेक्रेटरी है वो खुद यहाँ पे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा द कंपनी सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल इफ ही मिस हिज पावर और टेक कमीशन सीक्रेटली ही इज लाइबल टू पनिशमेंट विथ अ फाइन और इम्प्रिजनमेंट कंपनी सेक्रेटरी खुद जवाबदार होगा अगर उसे जो भी अथॉरिटी या पावर दिए गए उसका वो गलत इस्तेमाल करता है या फिर कोई अपना पर्सनल लाभ की अगर उसमें सोचता है कि सीक्रेटली कुछ उसमें कमीशन कमा ले अगर कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसमें सीक्रेटली खुद का भी कमीशन उसमें जोड़ता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो खुद यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा उसको सजा भी हो सकती है सजा के तौर के ऊपर उसे मॉनिटरी यानी के पैसों से भी कोई जुर्माना भरना पड़ेगा और हो सकता है कि उसे जेल भी जाना पड़े द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट बियॉन्ड द पावर्स डेडिकेटेड मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड एंड फ्रॉड सेक्रेटरी खुद रिस्पॉन्सिबल होगा अगर उसे जो पावर्स जो दिए गए उससे अगर ज्यादा यानी उसके बियॉन्ड जितना पावर दिया गया उससे भी और कुछ और ज्यादा अगर वो काम पावर्स का इस्तेमाल करता है तो या तो फिर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड जो फंड को जिस तरह से इस्तेमाल करना था उसको वो गलत तरीके से अगर इस्तेमाल करता है या कोई फ्रॉड या चीटिंग करता है तो यहाँ पे कंपनी का सेक्रेटरी खुद यहाँ पे जवाबदार रहेगा देन सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस दैट अकर्स बाय द कंपनी ड्यू टू विलफुल नेग्लिजेंसीज ऑफ ड्यूटीज इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेक्रेटरी टू पे द लॉस यानी कि कंपनी का सेक्रेटरी उसे लॉ और सब चीज के बारे में उसके पास नॉलेज होना चाहिए उसके पास क्या क्वालिफिकेशन है वो हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हम लोग देख चुके तो उसके पास हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए अब नॉलेज के अभाव से या तो फिर उसकी खुद की कुछ बेदरकारी की वजह से अगर कंपनी को कोई नुकसान होता है तो वो नुकसान की भरपाई कंपनी के सेक्रेटरी को खुद को करनी पड़ेगी द कंपनी सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट राइटिंग नेसेसरी रिकमेंडेशन ऑफ द मीटिंग और मिनिट्स ऑफ द मीटिंग और कंपनी का सेक्रेटरी खुद जवाबदार होगा अगर जो कोई भी मीटिंग हो रही है तो उसके अंदर मीटिंग्स में जो प्रोसीडिंग्स हुए जो कुछ भी मीटिंग में जो चर्चा हुई अगर उसकी मिनट बुक नहीं बनाता है तो उसके लिए वो खुद जवाबदार रहेगा द तो सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल इफ ही फेल्स टू तो प्रेजेंट एनुअल रिपोर्ट इन द जनरल मीटिंग विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम जो दिया हुआ समय है उसके अंदर अगर वो फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है वो जनरल मीटिंग में अगर प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो कंपनी सेक्रेटरी यहाँ पे उसके लिए जवाबदार रहेगा एंड द लास्ट लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी इज द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनऑथोराइज चेंजिस मेड बाई हिम इन द डॉक्यूमेंट्स अगर कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट अगर कुछ हो रहा है कंपनी के बी एफ के ऊपर और वो उसके अंदर कुछ छेड़खानी कर रहा है यानी कि अपने भी अपनी तरीके से अनऑथोराइज उसको जो पावर्स और उसको ऑथोराइट ऑथोरिटी नहीं दी गई है उसके बावजूद अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में अगर कोई चेंजेस कर देता है तो फिर यहाँ पे कंपनी का सेक्रेटरी खुद यहाँ पे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा तो फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट्स थे जो हमने आज की वीडियो में हमने कवर किए वो थे अपॉइंटमेंट कैसे कर सकते हैं प्रोविजंस क्या है उसके लिए फिर उसे ड्यूटीज और फंक्शन क्या है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया उसके बाद हमने उसको क्या अथॉरिटीज दी गई है कंपनी के सेक्रेटरी को वो डिस्कस किया फिर हमने देखा लिमिटेशंस क्या है अथॉरिटीज जो दी गई उसकी क्या लिमिटेशन है और उसकी खुद की पर्सनल जवाबदारी यानी कि लाइबिलिटीज़ क्या है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारे पॉइंट्स सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा अगर कोई डाउट है तो आपका क्वेश्चन मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भी आपके रिव्यूज मुझे भेजिए ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारा वीडियो बनेगा इस चैप्टर के रिलेटेड उसमें हम लोग करेंगे टर्मिनेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी यानी कि कंपनी के सेक्रेटरी को हम कौन कौन सी कंडीशन में कौन सी सर्कमस्टेंसेस में हम लोग उसको निकाल सकते हैं एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द सेक्रेटरी हम लोग कवर करेंगे और उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ओके फ्रेंड्स बाय बाय टेक केयर